पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर विवादित धार्मिक पोस्ट डालने की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला मुरादाबाद का है, जहां पर हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाली है। पोस्ट वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने प्रोफेसर के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला तक फूंक दिया। इसके साथ ही कटघर थाने में पहुंचे सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आज फेसबुक पर एक अभद्र अवांछित बर्ताव टिप्पणी को लेकर कुछ लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और उसी को लेकर थाने पर तहरीर दी गई है। तहरीर ले ली गई है और जांच कर उसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वो तहरीर ले ली गई है और क्योंकि वो फेसबुक पोस्ट है तो फेसबुक में उसकी डिटेल्स निकलवाने के लिए संबंधित कंपनी से पत्राचार करना पड़ेगा। वो सब कार्रवाई कर रहे हैं, उसी के बाद पुष्टि हो पाएगी कि किसने पोस्ट किया। के साथ हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शारिक, पूरा मामला क्या है? आपको बता दूं, इन्होंने जो प्रोफेसर है, इन्होंने फेसबुक पे टिप्पणी करी थी, विवादित धार्मिक पोस्ट करी थी, जिसको लेकर बजरंग दल और बीपीआई के कार्यकर्ता भड़क गए थे। स्कूल में जाके इन्होंने पुतला फूंका है, मुरादाबाद जनपद के तमाम थानों में जाके इनके खिलाफ तहरीर दी है और जो है इसमें एसएसडी ने इसका संज्ञान लिया है। एसएसडी जल्द से जल्द इससे जांच करने की बात कर रहे हैं। जी, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सफाई सामने आई है अब तक? जब हमने प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश करी, जब ये बीपीएस कार्यकर्ता और बजरंग दल कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे हैं तो वो प्रोफेसर स्कूल से भाग गए हैं। शहर का काफी बड़ा कॉलेज है ये, इस तरीके की एक प्रोफेसर को हरकत करनी नहीं चाहिए थी, जिससे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। जी जी बिल्कुल शारिक, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जोरदार इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया है बजरंग दल संगठन की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने जो है इन लोगों की तहरीर ले ली है और इन पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कर रही है, फेसबुक से डाटा मंगाने की बात कर रही है, उसके बाद कार्रवाई की बात जारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।